इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी देखो पहले इस क्वेश्चन में हम सिंपली डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी डी एक्स अब हमें एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म को ले इसमें हम कुछ ऐसा ऐड करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए उसके लिए कभी भी हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और इन दोनों को लेके परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसमें हम बी स्क्वायर बाई फोर ऐड करेंगे तो यहाँ भी हम वही करते हैं इसे ऐड करते ही परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है माइनस ए प्लस बी एक्स अब यहाँ बी स्क्वायर बाई फोर ए तो बी स्क्वायर बी हमारा ए प्लस बी है इट मीन्स ए प्लस बी का स्क्वायर बाई फोर ए फोर ए ए तो वन हमारा तो ये आ गया और इसके बाद माइनस भी करेंगे साथ में तो ए प्लस बी का स्क्वायर बाई फोर और ये ए बी साथ में प्लस का ए बी आ गया ये तो अब क्वेश्चन इस तरह से फॉर्म में आ गया है इसमें अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम ऊपर वन आ गया ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और टू ए ये ए स्क्वायर ये लास्ट बी स्क्वायर और ये टू ए बी है तो यह आ गया एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू होल स्क्वायर। और इन दोनों में से अगर एल्शियम लेते हैं हम देखो यहाँ माइनस है अगर हम माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा तो यह आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस फोर ए बी अपॉन फोर डीएक्स देखो यहाँ पे प्लस का टू ए बी है ये प्लस का टू ए बी है और ये माइनस का फोर ए बी है तो आपस में कट के माइनस टू ए बी बचेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ये भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा और डायरेक्टली फॉर्मला लग जाएगा यहाँ पे स्टार्टिंग से रूट था यहाँ रूट बाई मिस्टेक छूट गया है तो यहाँ पूरे में रूट चलता रहेगा ऐसी तो स्क्वायर रूट ऑफ ये तो पहला तो आ गया एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर और दूसरा आएगा ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर इस तरह दोनों होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्मेट में है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग का फॉर्मूला होता है तो ये आ गया लॉग एक्स प्लस रूट एज इट इज तो एक्स हमारा पहला फैक्टर है ये वाला तो एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू प्लस रूट एज इट इज मतलब सारा आ जाएगा एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू का स्क्वायर ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस सी ये हमारा आंसर है बट ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है देखो पहले जो हमें गिवन था इस गिवन को गिवन को ब्रेक करके सिंप्लीफाई करके ही हमारे पास ये टर्म आई थी तो इस टर्म की जगह हम डायरेक्टली यहाँ एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी लिख सकते हैं तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉग और यहाँ पे एल्सियम लेते हैं टू एक्स माइनस ए माइनस बी अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस बी अपॉन टू प्लस इस पूरी टर्म की जगह लिख सकते हैं स्क्वायर रूट एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस सी अब इस टू का एल्शियम ले लेते हैं तो लॉग यहाँ वन बाई टू बाहर आ जाएगा टू एक्स माइनस ए माइनस बी प्लस ट्वाइस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस सी अब देखो ये टू तो कांस्टेंट है लॉग वन बाई टू इन टू लॉग दी से ही है तो लॉग ए प्लस बी में लॉग टू को हम सेपरेट कर देते हैं तो ये आगे हमारे पास लॉग 2x एक्स माइनस ए माइनस बी है इसे लिख सकते हैं हम x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी देखो x और x 2x एक्स, एक्स माइनस ए माइनस बी प्लस टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस यहाँ वन बाई टू जो था उसे ले लिया हमने लॉग वन बाई टू सेपरेट कर लिया प्लस सी इन दोनों को मिला के हम सी वन लिख देंगे जो कांस्टेंट हो जाएगा और यहां देखो ये रूट ए एक्स माइनस ए का स्क्वायर है ये रूट एक्स माइनस बी का स्क्वायर है अट्ठवाइस एक्स माइनस एक्स माइनस बी इट मीन्स ये आ जाएगा हमारे पास लॉग स्क्वायर रूट एक्स माइनस ए प्लस रूट एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर और प्लस ये सी और इस होल स्क्वायर के जो टू पावर है इसको पीछे ले सकते हैं तो फाइनली हमारे पास क्या नंबर आएगा ये आ जाएगा टू लॉग रूट एक्स माइनस ए प्लस रूट एक्स माइनस बी और प्लस कॉन्स्टेंट सी वन तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा